we are doing network topology. Before this, we discussed the type of networks in computer plus two. तो ये network topology जो होती है is a term and to describe the method of how data on a network is organized and viewed. यानी कि किसी भी network के विच जिहड़ा data होंदा इनू असी ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं तो उन्होंने देखते कि इट डिस्क्राइब द अरेजमेंट ऑफ सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर नैटवर्क इट डिफाइंस हाउ द कंप्यूटर्स और नोड्स विद इन द नैटवर्क आर अरेंज एंड कनेक्टेड टू ईच अदर टोपोलॉजी शुड बी प्रॉपरली प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ए गुड सिलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी कैन रिजल्ट इन प्रॉपर an adequate use of resources, while a mismanaged arrangement of computers can lead to inefficient use of resources, loss of data and time. अगर इन computers को एक network में बहुत अच्छी तरह से planning के साथ ना जोड़ा जाए तो उसमें mismanagement हो सकती है और resources का loss हो सकता है, data का भी loss हो सकता है, तो इसीलिए हमारे लिए ये टोपोलॉजी जो है एक मेथड है जिससे हम उसको कंप्यूटर्स को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उनको व्यू कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी. These are some topologies. There are six in number. So first I shall discuss bus topology. Bus topology comprises of stations or terminals that are connected to a single communication line. यानी कि एक ही communication के साथ जो stations होते हैं या terminals होते हैं वो आपस में उसके साथ एक ही सिंगल के कम्युनिकेशन लाइन के साथ जुड़े होते हैं. द सिंगल कम्युनिकेशन लाइन इज रेफर टू एज ए बस. जो सिंगल टोपोलॉजी लाइन है उसको बस कहते हैं हम, जैसे बस में पैसेंजर बैठे होते हैं. इंफॉर्मेशन फ्रेम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टेशन आर ब्रॉडकास्ट अवे फ्रॉम द स्टेशन इन बोथ डायरेक्शंस ऑन द बस. यानी बस की दोनों साइड में, जैसे ये बस है तो इस साइड को भी और इस साइड को भी, दोनों साइड्स को सिग्नल जो ट्रांसफर होता है. ईच स्टेशन ऑन द बस इंटरोगेट्स द इंफॉर्मेशन फ्रेम डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड फॉर इट्स ओन एड्रेस. यानी कि जो बस का सेंटर वाला वो कम्युनिकेशन लाइन है, जैसे ये वाली आपकी कम्युनिकेशन लाइन है, इसका अपना भी एक कोड होगा और उसके कंप्यूटर्स का भी कोड होगा, उसका एड्रेस होगा. इफ़ द डेस्टिनेशन फील्ड डज नॉट मैच द स्टेशन एड्रेस द स्टेशन डिस्कार्ड्स द इंफॉर्मेशन फ्रेम बैक ऑन द बस. अगर इसका जो कंप्यूटर्स है इसके साथ कनेक्टेड हैं, अगर उनका एड्रेस मैच नहीं करता तो वो सिग्नल को वापस बस में भेज देते हैं एंड मैच द स्टेशन एड्रेस. The station discards the information frame back. So if the destination address matches the station address, it accepts the information frame and processes the frame. तो इसमें अगर वो उसका address match कर जाता है line के साथ तो वो उसको information को accept करता है और जो information frame है उसकी प्रोसेस करता है और फिर फ्रेम दिखने लग जाता है. तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल इंस्टॉलेशन है इसकी. फेलियर ऑफ ए नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क फंक्शनिंग. नोड मतलब ये वाला जो जॉइंट है इसको हम नोड कहते हैं. तो नेटवर्क की फंक्शनिंग को, अगर एक एक लाइन फेल हो जाती है, इसका सिग्नल यहाँ नहीं पहुँच रहा, तो लाइन चलती रहती है, दूसरे जिनका एड्रेस मैच हो गया है उनका सिग्नल चलता रहता है.
तो केबलिंग कॉस्ट इज लेस, इसकी केबलिंग कॉस्ट लेस है, एज ओनली वन मेन केबल इज रिक्वायर्ड, एक्सपेंशन इज इजियर। इसी लाइन पे अलग अलग जो कंप्यूटर्स को जोड़ना, कम्युनिकेशन करना, वो दैट इज़ वेरी इजी। नो एक्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेबिलिटी ऑन ए सेंट्रल नोड, सेंट्रल नोड पे जो उनकी डिपेंडेबिलिटी नहीं है, लाइक इन द केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नेटवर्क क्लैश इन ऑन फेलियर ऑफ मेन लाइन, इफ मेन लाइन फेल हो जाती है तो नेटवर्क फेल हो जाता है। ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट, तो अलग अलग जो कंप्यूटर साथ में जुड़े हैं तो ट्रबल शूटिंग जो है वो, यानी ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है फॉल्ट देखना, तो वो मुश्किल होती है। शेयरिंग ए सिंगल केबल रिजल्ट्स इन स्लोअर एक्सेस टाइम, यानी उसका एक्सेस टाइम जो है वो स्लो है। डाटा कोलिजन्स आर फ्रीक्वेंट, यानी डाटा जो है वो क्लाइड कर जाता है, आपस में मिल जाता है। और टाइम टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन मे बी लार्जर बिकॉज ईच नोड टेस्ट द इंफॉर्मेशन पैकेट फ्लोटिंग इन द नेटवर्क। ट्रांसफ़र करना, डाटा को ट्रांसफ़र करना थोड़ा लार्ज होता है, क्योंकि हर एक जो फ्लोटिंग नेटवर्क में से उसको पॉकेट को इंफॉर्मेशन को टेस्ट करके आगे चलता है। फेलियर ऑफ केबल्स मे रिजल्ट इन सीरियस implications in the network. Cable failure can be extremely difficult to locate on large bus network. जो बड़े network होते हैं उनमें जो fault निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। तो जो topology की किस्में हैं उसमें आज हमने bus topology पढ़ी है, तो बेटा इसको फिर से book में से पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो फिर से मुझे पूछ लेना है। Okay, thank you.